भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। हाल ही पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय लीडरशिप ने जयपुर में लोकसभा चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली थी। अब राजस्थान भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं का अलग अलग जिलों का दौरा भी शुरू हो गया। इसी संदर्भ में शनिवार को भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भरतपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय पहुंचकर लोकसभा चुनावों को लेकर विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किया था, अब उस पर काम होने लगा है। भाजपा सरकार में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जाँच के साथ साथ खनिज माफियाओं और गैंगस्टरों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पार्टी राजस्थान में तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। भजनलाल शर्मा की सरकार ने छोटे से कार्यखंड के अंदर जो चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया था, उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। गरीब लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। वहीं गैंगस्टर और खनिज माफिया के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि हमारी सरकार गंभीर है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलेगी, उसकी फैसला भाजपा कालाकमान करेगा। वहीं भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर कहा कि हमारी सरकार गंभीर है, सक्षम स्तर पर वार्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के पीछे कई कांग्रेसी नेताओं का हाथ है, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है। उन्होंने बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि अब यह तार तार हो जाएगा। राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं।